गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस पंचम सुमान। शांत सनातन अप्रमेय, यानी प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपने निर्भरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुनाम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। विभीषण जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचार बिन प्रयास सागर तरहि सकल भालु कपि धार। ये प्रभु समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीच और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीति उपाय करियूं देव जो हो सहाय मंत्र नाय लक्ष्मण मन भावा राम बचन सुनी अति सुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए यदि दैव सहायक हो। ये सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा सोसियु सिंधु करियु मन रोसा कादर मन कहूं एक अधारा दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। ए दैव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है, आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनत भी हसी बोले रघुवीरा ऐसे ही करब धरहु मन धीरा हस कही प्रभु मनु जही समुझाई सिंधु समीप गए रघुराई। ये सुनकर रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन गिरुनाई बैठे पुनि तट दर घुटताई जब विभीषण प्रभु कहीं आए पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे धरे कपट कपी दे प्रभु गुण हृदय सराहि करनागत परने। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे।
प्रगट बखा नहीं राम सुभाओ अति स प्रेम का विसरी दोराओ रिपु के दूत कपिन तब जाने सकल बांधी कपीत बही आने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें कपट भेद भूल गया। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उनको सब बांध कर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव तो नौ सब बानर अंग भंग करे पठर सुन सुग्रीव वचन कपिधाये मांगी कटक चौपास फिराए। सुग्रीव ने कहा सब बानरों सुनो राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे दीन पुकारत तदपि न त्यागे जो हमार हर नाचा ताना बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब उन्होंने पुकार कर कहा जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कोसलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए दया लागी हंसी तुरत जुड़ाए रावण करु दीजहुं ये पाती लक्ष्मण वचन बाजु पुल धाती। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना हे कुल घातक लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। कहे मुखागर घोड़ सन मम संदेश उतार सीता देव मिलो नतर आवा कालु तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी ए मेरा उतार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर श्री राम जी से मिलो नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। बोलिए क्या कति रामचंद्र की हनुमान की।